सेमावास में विधायकों की बैठक लगातार जारी है। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं। सीएम रावत विधानसभा पर समीक्षा कर रहे हैं, बैठक जारी। ब्यूरो चीफ पंकज पवार फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, सेमावास पर विधायकों के साथ लगातार सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की बैठक जारी, ताजा अपडेट बैठक को लेकर। बिल्कुल शिवा, और अगर कहा जाए तो मुख्यमंत्री आवास में बैठक चल रही है, तमाम विधायक उसमें मौजूद हैं, मंत्री मौजूद हैं और अधिकारी भी मौजूद हैं। अधिकारी उस पर पूरी तरीके से चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार, और वहां पे प्रेजेंटेशन भी दे रहे हैं और मुख्यमंत्री के साथ जो विधायक हैं वो अपनी बातें रख रहे हैं कि आखिरकार क्या क्या मुद्दे हैं जिन पर आने वाले दो साल में काम करना है, क्योंकि अब चुनाव के दो साल रह गए हैं। ऐसे में कुल मिलाकर कोशिश यही सरकार की नजर आती है कि आने वाले दो साल का जो रोड मैप है उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि तीन साल सरकार के होने जा रहे हैं, अभी तक तीन साल में क्या कुछ सरकार राज्य में कर पाई है, कितने विधानसभाओं में कर पाई है, तो इन तमाम चीजों पर चर्चा चल रही है और लगभग 5 बजे तक ये चर्चा होगी। उसके बाद मुख्यमंत्री मीडिया से मुखातिब होंगे। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ज्यादातर विधायक इस बैठक में मौजूद है, मंत्री मौजूद है, हरक सिंह रावत, सतपाल महाराज समेत और सुबोध उनियाल, मदन कौशिक समेत तमाम मंत्री इस बैठक में मौजूद है, अपनी बात भी रख रहे हैं, अपने विभागों की बात भी रख रहे हैं और साथ साथ जो विधायक हैं वो अपने क्षेत्रों की जो समस्याएं हैं उनकी भी बात उनके द्वारा रखी जा रही है। और चाहे वो विधायक निधि से जुड़ी हुई हो या फिर सड़कों से जुड़ी हुई हो, सड़कों के निर्माण से जुड़ी हुई हो, तमाम मुद्दों पर विधायक अपनी बात रख रहे हैं। और सही बात है कि बिल्कुल पंकज, लगातार विधायकों के साथ सीएम की जो बैठक है वो जारी है। अभी तक क्या कुछ जानकारी बैठक को लेकर मिल रही है कि विधायकों की तरफ से क्या कुछ मुद्दे यहाँ पर रखे गए हैं, क्योंकि विकास कार्यों और लगातार जिस तरह से सीएम रावत विधानसभा बार के समीक्षा जो है वो लगातार बैठकों के जरिए कर रहे हैं, तो अभी तक विधायकों की तरफ से क्या कुछ रखा गया, इसकी कोई जानकारी आपके पास? देखिए आसिमा, सबसे बड़ी बात यह है कि विधायक कई चीजों पर नाराज हैं, सरकार से भी और खुद मुख्यमंत्री से भी। मुख्यमंत्री से इस बात को लेकर नाराज हैं क्योंकि कई जिलों में, चाहे उधम सिंह नगर की बात की जाए, तो वहाँ पे जिलाधिकारी को बदलने के लिए तमाम जो विधायक हैं तो वो सीधे तौर पर सीएम को कई बार कह चुके हैं और पिछले 3 साल से जो जिलाधिकारी हैं नीरज खैरवाल वो वहाँ पे मौजूद हैं, इसलिए अंदर इस बात को लेकर भी नाराजगी दिखाई दी है कि अधिकारी हावी हैं और विधायकों की बात नहीं सुन रहे हैं, विधायकों का काम नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे में विधायक जो हैं वो आज की बैठक में भी इस बात को साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई हमारी बात तो सुने, हमें जनता के बीच जाना है, हमें अपने काम करवाने हैं, जनता के काम करवाने हैं। उसके तहत मुख्यमंत्री से साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि अधिकारियों पर लगाम कसी जाए और उनको ये साफ तौर पर ताकीद कर दी जाए कि भाई विधायक अगर कुछ कहें तो उनकी बात अनसुनी ना हो। तो ये तमाम चीजें हैं, इन तमाम चीजों पर बात अंदर हो रही है और कहीं ना कहीं मसले तो बहुत सारे पंकज यहाँ पर इस बैठक को लेकर चर्चा का विषय है। लेकिन अगर बात करें विकास कार्यों से हटकर और जिस तरह से लगातार बैठकों का दौर सीएम रावत की तरफ से चल रहा है विधानसभा वार को लेकर, तो ऐसे में अगर आज की इस बैठक की बात करें तो मुख्य एजेंडा यहाँ पर क्या विधायकों की नाराजगी या विकास कार्यों को लेकर बैठक? बिल्कुल दोनों ही बातों पर चर्चा है। और अशिमा, सबसे बड़ी बात यह है कि कोशिश यही है कि विधायकों को साधा जाए। विधायक जो हैं वो कहा जाता है कि एक जो पूरी लॉबी है विधायकों की वो इस बात से नाराज हैं कि मुख्यमंत्री उनको तवज्जो नहीं देते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अधिकारी हैं वो तवज्जो नहीं देते हैं। और उसके साथ साथ ये दोनों वाइस वर्सा है, अगर विधायक अपने क्षेत्र में काम कराने के लिए जाता है और अधिकारी नानुकुर करे तो कहीं ना कहीं विकास भी प्रभावित होता है। बिल्कुल, तो चलिए पंकज, फिलहाल शुक्रिया जुड़ने के लिए।